थर्मल टाइप में सबसे पहले जो ना हमारे पास यहाँ पे फंक्शनल लाइब्रेरी आ जाता है, ठीक है। इसमें जी से फार्मूला टाइप के अंदर बहुत सारे फार्मूलाज हैं, टोटल जो है 10,000+ फार्मूलाज हैं, लेकिन डीआईटी में वही आपको फार्मूला करवाए जाएंगे जो डेली बेस पे कॉमन फार्मूलाज यूज किए जाते हैं ऑफिशियली, ठीक हो गया। जी सो उनमें से फार्मूला सबसे पहले फंक्शन लाइब्रेरी आ जाता है, इसमें से फार्मूलाज हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं ऑटो सम में से। तो यहाँ पे हमें सम का फार्मूला यानी कि प्लस का फार्मूला मिल जाता है, एवरेज का, काउंट नंबर का, मैक्सिमम मिनिमम का, ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पे जी हमारे पास डेटा तो कोई है नहीं, तो हम इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कोई डेटा ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई यानी कि मार्कशीट बना लेता हूँ, अच्छा जी। अब यहाँ पे मैंने नाम ले लिए हैं, अब इनके नंबर देता हूँ मैं। ये अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नंबर लेते हैं हम, ठीक है, मार्कशीट बनाने के लिए। देन हम इन पे फॉर्मूलाज पुट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने डेटा जो है ना लिख लिया लेटरिंग, लेकिन यहाँ पे क्या है, डेटा थोड़ी कम है। सो डेटा आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसकी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी ले ली मैंने इसकी, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी यहाँ पे मैंने लेट सपोज टोटल लेना है, ठीक है। तो टोटल के लिए हम आ गए यहाँ पे फार्मूला टाइप के अंदर। यहाँ पे आके ये सम का फार्मूला जो है ना, इस पे हमने क्लिक करना है। खाली हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये खुद ब खुद जो है ना रेफरेंस इंग्लिश सब्जेक्ट से लेके SST सब्जेक्ट को वो रेफरेंस दे देता है। अब इसमें रेफरेंस में देखें, सम के आगे B2 और ये सामने आया है E2। ये क्या है, रेफरेंस आई है यानी कि B नंबर कॉलम, इंग्लिश वाला सब्जेक्ट पहला पहला है ना, वो B नंबर कॉलम पे है और 2 नंबर रो पे। यहाँ से ये इसने रेफरेंस लिए, सामने है E2, E नंबर कॉलम और 2 नंबर रो तक, यहाँ तक इसने रेफरेंस लिए। बस ये रेफरेंस खुद ब खुद ले लेता है, सिर्फ आपने सम पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, रेफरेंस तो आ गई है, अब यहाँ पे एंटर कर दें कीबोर्ड की बटन, इंटर बटन से एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे एक यहाँ पे सम आपके यानी कि टोटल पे आ जाएगी। फिर यहाँ पे जाएंगे ना कॉर्नर पे, तो एक प्लस की साइन आ जाएगी। इसको आपने यहाँ पे माउस राइट क्लिक, सॉरी लेफ्ट क्लिक लेके ट्राई आपने यहाँ से करना ड्रैग करना नीचे, ठीक हो गया। ये हमारे पास सब का जी सम आ गया है। देन इसी तरह यहाँ पे हम लेट सपोज अगर एवरेज लेना चाहते हैं, तो एवरेज भी सेम इसी तरह यहाँ पे ऑटो सम में आके एवरेज पे क्लिक करें, और यहाँ पे हमारे पास एवरेज पे भी एंटर करें, और ये एक एवरेज आया है, और यहाँ पे आप इसको सब का एवरेज दे सकते हैं। सेम इसी तरह मैक्सिमम, अच्छा जी, मैक्सिमम पे हम आ गए हैं, मैक्सिमम पे एंटर किया है, और यहाँ पे एंटर करके इसको ड्रैग करके नीचे लेके आए मैक्सिमम। सेम इसी तरह मिनिमम है, एंटर कर दें, और ये एक का मिनिमम आ गया है, और यहाँ पे ये सबका मिनिमम। देखें अब हमारे पास चार्ट में जी जो भी जितने भी स्टूडेंट्स के नंबर थे ना, सब में से कम से कम जो वैल्यूज थी ना, वो मिनिमम हमारे पास यहाँ पे सॉर्ट आउट होके आ गई है, ठीक हो गया। अच्छा जी जी, देन आगे देखते हैं हम, ये हो गया हमारे पास फार्मूलाज, ठीक है ना। अच्छा देन आता है ये जी रिसेंटली यूज, ये हमने रिसेंटली जो यूज किए हैं वो फार्मूलाज हैं फाइनेंशियल फार्मूलाज। मैंने बोला है जैसे आपको यहाँ पे 10,000+ फार्मूलाज हैं, लेकिन आपको वही फार्मूलाज यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे जो डेली बेस पे हम कॉमन यूज करते हैं, जो ऑफिशियली मोस्टली यूज किए जाते हैं, ठीक हो गया। सो जी फाइनेंशियल फार्मूलाज ये आगे आ जाते हैं लॉजिक, लॉजिक फार्मूलाज में आ जाते हैं इफ का फार्मूला या फाइल्स का, ट्रू का, ये फार्मूला देखते हैं। इसका काम क्या होता है, लेट्स सपोज अभी इसी में से मार्कशीट में से हमने जो है ना फाइनल रिजल्ट यानी कि शो करनी है कि कौन सा बच्चा पास है, कौन सा फेल है, कौन सा फर्स्ट पोजीशन पे, कौन सा सेकंड पोजीशन पे, कौन सा थर्ड पोजीशन पे। सो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम लॉजिक में इफ का फार्मूला यूज कर लेते हैं। सो इसको इफ का फार्मूला आप अरेंज सॉरी एवरेज पे भी कह सकते हैं, और टोटल बेस पे भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। सो इसके लिए हम यहाँ पे जी ये डिलीट कर लेते हैं। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको एग्जाम्पल दिया था, मैक्सिमम मिनिमम किस तरह निकाला जाता है इस तरह लिया था। यहाँ पे हम डिलीट करते हैं डेटा, और यहाँ पे हम लेते हैं लेट सपोज रिजल्ट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप इफ का फार्मूला पुट करेंगे। इफ का फार्मूला जो है ना यहाँ पे इस तरह नहीं लगाना है आपने, आपने क्या करना है, यहाँ पे इफ का फार्मूला लिखना है इज इक्वल टू इफ, ऊपर देखें फार्मूला बार जो है ना उसमें हमारा जो भी फार्मूला हम लिखते हैं ना उसमें पुट होता जाता है, ठीक हो गया। अच्छा इज जी इक्वल टू इफ, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो वैल्यू देनी है यहाँ पे, अगर लेट सपोज आपने जो है इफ का फार्मूला जो रिजल्ट फाइनल जो शो करनी है वो एवरेज बेस पे करनी है, तो एवरेज का आपने यहाँ पे रेफरेंस देना है। अगर लेट सपोज करनी है टोटल बेस पे, तो टोटल की रेफरेंस देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ जी लेट सपोज एवरेज बेस पे।
सबसे पहले मैं एवरेजिंग क्या करता हूँ, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम देख लेता हूँ ताकि हम रिजल्ट बनाने में आसानी हो सके। तो यहाँ पे मैं मिनिमम देता हूँ, ये मिनिमम आ गया है इसमें डॉट लेवरेज में, और मैक्सिमम देखता हूँ तो यहाँ पे इनमें से मैक्सिमम भी आ गया है। अच्छा जी, मैक्सिमम कितना है यहाँ पे? हाँ, 374 374। मैक्सिमम कुछ ज़्यादा, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिस्टेंस कुछ ज़्यादा है। सो क्या कर लेते हैं, किसी सब्जेक्ट में देखें मिस कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, मिस्टेक होगी हो। यहाँ पे ये देखें, मैथ हाँ, वाले इसमें में देखें नंबर ज़्यादा कुछ आ गए हैं, तो इसी हम क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं नंबर। अब यहाँ पे देखें कम नंबर आ गए हैं, सेम इसी तरह यहाँ पे हम अगेन फार्मूला पुट करते हैं मैक्सिमम का, रेफरेंस दें इसमें से हमने मैक्सिमम निकालनी है, फिर भी सेम है क्योंकि हमने दो बार कॉपी की थी ना इस डेटा को, तो यहाँ पे भी सेम वो डेटा रह गई थी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैंने चेंज कर लिए, अब यहाँ पे देखें चेंज हो चुकी है। ठीक है, 124 आ चुकी है हमने, यानी कि जो भी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन या पास फेल जो भी देना है वो 74 से लेके 124 के बीच में ही देना है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हम इफ का जी फार्मूला पुट करते हैं, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, शिफ्ट बटन के साथ ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे, और जी देन हमने देनी है रेफरेंस यहाँ पे। ठीक हो गया, यहाँ पे फर्स्ट सेल की रेफरेंस देनी है एवरेज, अगर लेट्स तुम एवरेज बेस पे डाटा बना रहे हैं तो फिर एवरेज की रेफरेंस देंगे, अगर टोटल बेस बना रहे हैं तो टोटल बेस देंगे। ठीक हो गया, अच्छा जी, यहाँ जी पे मैंने ले लिया एवरेज की रेफरेंस, और देन अब यहाँ पे मैं देता हूँ ग्रेटर देन, ग्रेटर देन आ गया है हमारे पास आखिरी, यहाँ पे लास्ट जो ना जो बच्चे के नंबर आए हैं वो कितने हैं, 124 है। अब वन फर्स्ट पोजीशन के लिए हमने कितने नंबर यहाँ पे देने हैं, लेट्स अब हम देते हैं 120 देते हैं, तो 120 से लेके 124 तक जो भी बच्चे आएंगे वो फर्स्ट पोजीशन में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते जी हैं 115 कर लेते हैं। ठीक हो गया, 115 कर लेते हैं, 115 से लेके 124 के बीच में जो भी बच्चे आए हैं उनकी जो ना रिजल्ट क्या होगी, फर्स्ट पोजीशन में होगी। ठीक है, या ए फर्स्ट वन ग्रेड में होगी। जी ठीक है, अच्छा 115 कर लिया, अब यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, कॉमा, कोमा और सॉरी देन, देन क्या था वेटेड को मास जी, अच्छा अब यहाँ पे आपने क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन लिख लीजिए। ठीक है, जी फर्स्ट पोजीशन, अब देन फिर से क्या करना है वेटेड को मास जी, इन्वर्टेड कॉमा, वन और यहाँ पे आपने कॉमा दे इक्वल दी है, अब ये आप जी वैल्यू यानी कि पुट हो चुकी है फर्स्ट पोजीशन की। ठीक हो गया, अब इसी तरह अब यहाँ पे हमने सिर्फ ए वन की, ए वन ग्रेड या फर्स्ट पोजीशन की यहाँ पे डेटा पुट किया है, उसका फॉर्मूला पुट किया है। ठीक है, अब हमने सेकंड जी पोजीशन, थर्ड पोजीशन, पास फेल भी निकालने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे इफ ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे फिर से सेम रेफरेंस देनी है। ठीक है, रेफरेंस यानी कि बार बार आपने जी पहले सेल की ही देनी है। ठीक हो गया, अच्छा जी, देन यहाँ जी पे ग्रेटर देन दे दिया, अब यहाँ पे सेकंड पोजीशन के लिए हमने यहाँ पे कितनी वैल्यू देनी है कि हाँ जी यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड पोजीशन आए, जबकि हमने फर्स्ट पोजीशन जो ना लास्ट में रखी थी 115 पे। अब हम कितने रख लेंगे यहाँ जी पे जो सेकंड पोजीशन में हमारी बने, 105 पे रख लेते हैं। ठीक हो गया, 105 पे, जी 105 पे ये आ गई हमारी सेकंड पोजीशन। ठीक हो गया, सिंगल कॉमा, जी और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दे दी आपने, अब यहाँ पे लिखे हैं सेकंड पोजीशन, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, ये बन गई सिंगल सॉरी सेकंड पोजीशन के लिए। ठीक हो गया, अब इसी तरह जी आपने इफ का फॉर्मूला पुट कर लिया, ब्रैकेट स्टार्ट, रेफरेंस दी, अब थर्ड पोजीशन के लिए ग्रेटर देन, थर्ड पोजीशन कितने भी देनी है आपने, 19 19 बहुत कम हो जाएगी, फिर से हमने पास फेल भी निकालना है। यहाँ पे हम कर लेते हैं 100, 21 100 भी कर जी लिया। ठीक है, या फिर 98 पे कर ले। ठीक हो गया, अच्छा अब यहाँ जी पे हमने सिंगल कॉमा, हंड्रेड कॉमा, थर्ड पोजीशन, अब यहाँ पे हमने फिर से क्या करना है, हंड्रेड कॉमा सिंगल कॉमा। ठीक हो गया, ये क्या हो जी गया, थर्ड पोजीशन की वैल्यू भी थर्ड पुट का हो चुकी है। अब यहाँ पे इफ, अब हमने देनी है पास के लिए। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, रेफरेंस दे दी यहाँ पे पहले सेल की, ग्रेटर देन दे दिया, अब यहाँ पे पास के लिए हमने कितनी देनी है वैल्यू, यहाँ पे लास्ट हमारे पास आ जाता है 74, और अभी हमने जी वैल्यू पुट की है जो वो की हमने, हाँ 98 की है। सो अब यहाँ पे हमने पास के लिए दे देते हैं हम, लेट्स सपोज 90 कर लेते हैं या 85 कर लेते हैं, 85 जी से ऊपर जो भी है 98 तक वो सारे सारे क्या हैं, पास में आ गए। ठीक हो गया, पास सिर्फ पास में जी आएंगे वो। अच्छा जी, अब यहाँ पे सिंगल कॉमा, इंटेड कॉमा, पास लिखा मैंने, और यहाँ पे इंटेड कॉमा, सिंगल कॉमा,
ये हो गया पास के लिए। अब यहाँ पे हमने लास्ट और आखिरी वैल्यू पुट करनी है, वो फेल के लिए। ठीक हो गया, यानी कि पास के नीचे जो बचे, अब ये टोटल मार्कशीट के अंदर फेल कौन कौन से बचे हैं वो। अब यहाँ पे इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और देन यहाँ पे आपने फिर से सेम रेफरेंस दी। अब यहाँ पे ग्रेटर देन देंगे तब भी ठीक है, ग्रेटर देन देंगे तो यहाँ पे 74 से लेके 74.4 से लेके ऊपर जो भी आएगी, यानी कि कहाँ तक 85 तक, वो सारे सारे क्या होंगे, फेल हो डिफाइन। जाएंगे। और यहाँ पे अगर लेस देन करते हैं तो लेस देन हमें करना होगा 85 से, क्योंकि हमें कोई भी आखिरी वैल्यू इसके बाद कोई पुट नहीं करना। ठीक हो गया, अब फॉर्मूला हम पुट कर जी रहे हैं फेल के लिए, फेल के बाद कोई पोजिशन नहीं होती है, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे लेस देन देते हैं। लेस देन कितनी, 85। 85 से लेस देन यानी कि 74.4 तक जो भी आएंगे वो सारे के सारे फेल हो जाएंगे। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आपने जी इंटेड कॉमा, सॉरी सिंगल कॉमा, इंटेड कॉमा, और देन यहाँ पे आपने फेल लिखा, देन एंटर कॉमा लिखा। अब यहाँ पे एंड में आपने फिर से जो है ना खाली कॉमा नहीं पुट करना है, क्योंकि कॉमा हम जी तब लगाते हैं जब हमने नई कोई वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जी फेल के बाद कोई पोजीशन नहीं है, तो यहाँ पे ये आखिरी वैल्यू है। देन अब यहाँ पे जितनी दफा भी आपने ये जो रेफरेंस दिए ना, G21, G22, 3, 4 एंड 5, जितनी दफा रेफरेंस दिए ब्रैकेट इतनी दफा ही आपने यहाँ पे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज क्लोज करना है। शिफ्ट के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 5 दफा मैंने रेफरेंस दी थी, 5 दफा ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिए हैं। अब यहाँ पे एंटर करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहले की यहाँ पे दर्द आ चुकी है, इसी तरह यहाँ पे प्लस की साइन पे पकड़ के, और यहाँ पे आप ब्रैकेट नीचे, तो यहाँ पे देखें फेल थर्ड पोजिशन, सेकंड पोजिशन फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड फेल, फेल फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड फेल, फेल। अब यहाँ पे जो ना सेकंड थर्ड क्यों नहीं आई है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थर्ड पोजिशन आई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉपी की थी, डेटा बहुत कम थी, जो मिलती जुलती डेटा है, सो इसीलिए हमारे पास फेल फर्स्ट आ गया अगेन। यानी कि फॉर्मूला किस तरह पुट होता है, फॉर्मूला जो ना किस तरह लगाया जाता है पोजिशन का, वो आ गया है। ठीक हो गया, बाकी आप डेटा जी। ज्यादा आज जो ना शीट में लेके वो थर्ड पोजिशन भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब फॉर्मूला देखें, अभी इस सेल पे किसी भी सेल पे क्लिक करें तो ये हमारा पूरा पूरा फॉर्मूला ये शो हो चुका है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने अभी ये जी लगाया था, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, पास एंड फेल के लिए। ठीक हो गया, अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास इफ का फॉर्मूला। देन आ जाते हैं हम टेक्स्ट में, टेक्स्ट में क्या है। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज इंटरनेशनल, इंटरनेशनल लिखा। अच्छा, अभी आ गया टैक्स में, टैक्स में से यहाँ पे अभी इंटरनेशनल जो लिखा हुआ है मैंने, यानी कि लोअर केस में लिखा हुआ है, यानी कि ये हमारे पास स्मॉल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे कर लेते हैं अपर, अपर अपर का ऑप्शन है यहाँ पे, लोअर मेट्रिक ये है अपर एंड में। ठीक हो गया, अपर पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स आ जाता है, इसमें से आप रेफरेंस दें अपर केस किस डेटा को आपने जो ना देनी है। सो यहाँ पे इसकी रेफरेंस दे दी आपने, यहाँ पे देखें रेफरेंस में आगे D32, D32 क्या है, डी नंबर आपका कॉलम है, 32 नंबर रो पे ये डाटा लिखी हुई है। ओके कर दें तो यहाँ पे ये देखें इंटरनेशनल आपके पास अपर लिखा हुआ आ गया है। सेम इसी तरह यहाँ पे टेक्स्ट में जाएं और यहाँ पे आ गए हम लोअर केस में, अभी इसी को जो आपने अपर केस किया था इसी को लोअर केस में वापस करना है, यहाँ ये आ गया फर्स्ट लोअर केस में। ठीक हो गया, अच्छा जी, देन जी इसमें से आपके पास लेफ्ट साइड, अब यहाँ पे कोई भी आपके पास कोई यानी के एक आउटलाइन या फिर कोई वर्ड लिखा हुआ है उसकी लेफ्ट साइड या राइट साइड देखने हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेफरेंस दे दिया G36, जी यहाँ पे ये रेफरेंस आ गई है कि यहाँ इस सेल की जो ना हमने डाटा देखनी है। और यहाँ पे पूछता है कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 ले लिए हैं। ओके कर दें तो यहाँ पे देखें IN, ये दोनों दो थे आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे शो हो चुके हैं दो। ठीक हो जी गया, इसी तरह टेक्स्ट में आके अभी हमने क्या लिया था, लेफ्ट साइड लिया था, तो आप कर लें अभी यहाँ पे राइट साइड, राइट साइड रेफरेंस दें इसकी डेटा राइट साइड, और 3 डिजिट कर लें, हाँ NAL, देखें एंड में NAL था 3, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो चुके हैं। ठीक हो गया, इसी तरह भी जी इसका यूज है। अच्छा, देन आ जाते हैं डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम क्या है। अभी यहाँ पे लेटर, कोई भी लेटर वगैरह बनाया है आपने अपने सिस्टम पे, जो करंटली डेट एंड टाइम है वो ही आपने उस पे ही मेंशन करनी है, तो फिर क्या करेंगे आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंपली इज इक्वल टू NOW ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर करने, तो यहाँ पे देखें वो और जो ना डेट एंड टाइम आ चुकी है जो हमारे पास यहाँ पे सिस्टम पे कंप्यूटर पे अभी मौजूद है करंटली। ठीक हो गया, यहाँ पे जी वही सेम की सेम जो ना टाइम और सेम की सेम डेट आ गई है। ठीक है, अच्छा जी, कंट्रोल जेड जी से अंडू कर लिया। देन आ जाते हैं हम लुकअप रेफरेंस, ये छोड़ दें मैट्रिक मोर फंक्शनल, इसमें से बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो डेली बेस पे आपके DIT के फॉर्मूलाज इसमें। अच्छा, देन आ जाते हैं हम डिफाइंड नेम्स में, डिफाइंड नेम्स में इसमें क्या है,
कोई भी यहाँ पे आपने बॉक्स बना लिया है, बॉक्स बना के आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो ये होम के जो ऑप्शन होते हैं ना, जो होम टैब में हमने पढ़े हैं ना, फॉन्ट अलाइनमेंट नंबर्स वगैरह, फॉन्ट अलाइनमेंट, ये चीज़ें यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हम ले लेते हैं बॉर्डर, बॉर्डर ले लें, ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर इसका आ गया है। अच्छा, अब जाएं फॉर्मूला टैब में और यहाँ पे डिफाइंड नेम में सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है डिफाइंड नेम, इसमें जाएं और यहाँ पे नाम दे दें, कोई भी नाम दे दिया। लेट सपोज इसका मैंने जो है ना मीर नाम दे दिया है, ये हमारे पास एक बॉक्स बन चुका है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा बॉक्स बनाया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैंने इसको ऑल बॉर्डर दिया, सेम इसी तरह डिफाइन नेम और इसमें से कोई भी नाम दे दिया, समीर दे दिया है, ओके कर दिया। और देन इसी तरह यहाँ पे तीसरा कोई बॉक्स बनाया है और यहाँ पे इसको भी डिफाइन नेम में आके कोई भी नाम दे दें, जैसे लेट सपोज अनस। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें क्या जी कर लिया, नाम तो इसमें दे दिया लेकिन इसमें से हमने इसकी जो आउटलाइन थी यानी कि बॉर्डर नहीं दिया था, तो इसीलिए इसको दोबारा से बनाएं, ऑल बॉर्डर दिया, देन नाम नाम दें। ठीक हो गया। अच्छा, अनस अनस तो हो जी गया था, अब कोई दूसरा नाम दे दें, लेट सपोज यहाँ पे ले लिया है अलीना। अच्छा, नाम आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे तीन बॉक्सेस बनाए, इनके अंदर आप कोई भी डेटा यानी कि पुट करें, कोई भी वैल्यू, बस ये एक बॉक्स के अंदर होनी चाहिए, बाकी आगे पीछे तरतीब वार सीक्वेंस भले ना हो कोई मसला नहीं है, सिर्फ बॉक्स के अंदर डेटा होनी चाहिए। अच्छा जी, ये मैंने कुछ जो ना ऐसे एग्जांपल के लिए कोई वैल्यू ले ली है। अच्छा जी, देन आ जाए नीचे, अब यहाँ पे ले लिया आपने, लेट्स वो सम करना है इन बॉक्सेस में से कौन से बॉक्स में कितनी डेटा लिखी हुई है। ठीक है, इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा आपने, ब्रैकेट स्टार्ट किया और अब यहाँ पे नाम दें, फर्स्ट बॉक्स इसका नाम क्या रखा था, मेरा मीर मेरा रखा था, जी मीर लिखा है और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया, तो यहाँ पे देखें इसमें से जितनी भी डेटा थी वो सारी सारी सम होकर यहाँ पे आ गई है। इसी तरह यहाँ पे सेकंड बॉक्स के अंदर रहते हैं डेटा, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, समीर नाम रखा था दूसरे बॉक्स में से और यहाँ पे हमने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, सेम इसी तरह सेकंड बॉक्स की भी डेटा आ गई। थर्ड की इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, थर्ड बॉक्स का नाम क्या रखा था, अलीना। जी अच्छा जी, अलीना, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और एंटर, यहाँ पे थर्ड बॉक्स की भी डेटा आ गई। अच्छा जी, देन हम कर लेते हैं तीनों बॉक्सों को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट अलीना कॉमा समीर कॉमा मीर, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दें। ये देखें अब इसमें से तीनों बॉक्सेस की जो है ना कलेक्टिव डेटा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, जी ये हो गया हमारे पास डिफाइंड नेम्स में से। अच्छा, इसमें से जाएं अभी यहाँ पे फार्मूलाज, यूज इन फार्मूलाज देखें, अलीना अनस मीर समीर। अब ये देखें, मीर समीर यूज किया था, जी अलना यूज किया था, अनस अनस, क्योंकि हमने उस बॉक्स को क्या किया था, आउटलाइन दी नहीं थी, बॉर्डर नहीं दिया था ना, सो इसीलिए वो हमारे पास शो नहीं हुआ था, वो मैंने वापस कर लिया था, तो उसका भी नाम यहाँ पे मैंने दे दिया था, बॉक्स का नाम यहाँ पे आ गया है लेकिन वो बॉक्स नहीं बनाया था। ठीक हो गया। अच्छा जी, जी आपने इसी तरह क्या करना है, पहले आपने बॉक्स बनाया, ठीक है, उसमें उसको आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके पहले ऑल बॉर्डर दे दिया, ऑल बॉर्डर देने के बाद यहाँ पे बाद में जाके आपने नाम देना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, जी देन आ जाता है यहाँ पे फॉर्मूला एडिटिंग में, यहाँ पे ट्रेस, अच्छा यहाँ पे आए, इसको ट्रेस करें, यहाँ पे इसमें से कौन से बॉक्स की वैल्यू है, देखें एरो आ गए यानी कि यहाँ पे इस बॉक्स की वैल्यू है, एरो रिमूव करें, एरो रिमूव। अच्छा, देन आ जाए सेकंड इस पे देखें, हाँ जी इसमें इस बॉक्स की वैल्यू है, रिमूव एरो, इसमें से चेक कर सकते हैं यहाँ इस बॉक्स की वैल्यू है। अच्छा, इसमें चेक करें तो यहाँ पे हमें तीन बॉक्स की कलेक्टिव डाटा जो हमने पुट की थी वो आ गई है। ठीक हो गया, सो इसीलिए यहाँ पे जी तीन बॉक्स सेलेक्टेड हुए हैं और यहाँ पे तीन ही बॉक्सों पे हमारे पास एरो आ चुकी है। अच्छा जी, रिमूव करें। अच्छा, अब स्पेसिफिक किसी भी बॉक्स की आपने देखनी है कि हाँ जी इस बॉक्स की डेटा किस जो ना सेल में है, तो यहाँ पे आए देखें, इसमें भी टोटल की थी हमने तीन बॉक्सेस, तो यहाँ पे भी एरो आ गए और इसमें भी आ गई है। ठीक हो गया, जी समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें तो हमने सिंगल इस बॉक्स की सिर्फ लिए थे डेटा, और इसमें तीनों की थी इसीलिए जो है ना वैल्यू आ गई है। अच्छा जी, देन आ जाता है यहाँ पे रिमूव एरो, उसको करें शो फार्मूला, फार्मूला शो करना है, हाँ जी इसमें कौन सा फार्मूला लगाया है, शो फार्मूला करें, तो यहाँ पे देखें इसमें से सम का फार्मूला लिया था बी नंबर बॉक्स,
अच्छा शो फॉर्मूला वापस खत्म कर दें, यहाँ पे आए एरर चेकिंग, एरर चेकिंग में आते हैं तो यहाँ पे कोई भी अगर लेट सपोज फॉर्मूला में एरर आ जाता है ना तो फिर यहाँ पे शो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कोई भी एरर नहीं है। देन आ जाए यहाँ पे, अच्छा है एवेल्यूट पे, यहाँ पे सेम चीज़ है इसी तरह, यहाँ पे लिखा हुआ डेटा देता है बताता है शीट वन पे डेटा लिखी हुई है और ए 44 44A नंबर कॉलम रो पे डेटा लिखी हुई है, ठीक हो गया। इसी तरह वॉच विंडो में भी सेम चीज़ है, एड वॉच पे आए और यहाँ पे आपने ये बॉक्स सेल सेलेक्टेड ऐड कर दें, बुक नंबर वन पे शीट नंबर वन पे डाटा लिखी हुई है और नाम कुछ नहीं है, A44 सेल है और यहाँ पे वैल्यू ये लिखी हुई फॉर्मूला ये यूज़ किया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा देन इसके बाद जी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन इसको हमने ऑटोमेटिक पे ही रखना है, ठीक है, इसको मैनुअल पे नहीं जी रखना है। अच्छा जी इसका क्या काम है देख लेते हैं, अभी यहाँ पे लेट सपोज अभी यहाँ पे मैं इसको करता हूँ प्लस के साइन से पकड़ के नीचे ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पे देखें सबकी अलग अलग हमारे पास डेटा आ चुकी है, ठीक हो गया। वो जी इसीलिए कि हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखते हैं ना मैनुअल पे, मैनुअल पे कर दिया है, अब इसको पकड़ के आप ड्रैग करें नीचे, तो देखें सबकी कॉपी हो चुकी है, 193 193 193 193, ठीक हो गया। सो इसीलिए हमने जी क्या करना है वहाँ पे ऑटोमेटिक पे ही रखना है और देन हमने इसका यूज़ करना है, ठीक हो गया। अब देखें ऑटोमेटिक सबकी जी अलग अलग सेपरेट एंड डिफरेंट जो ना डेटा थी वो आ चुकी है, ठीक हो गया। ये हमारे पास जी हो गया है फॉर्मूला टाइप हो गया है, ठीक है। इसमें से अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट पर क्लास नहीं में ये वाला देखेंगे। नहीं क्या, कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट। कैलकुलेट नाउ, ये कैलकुलेट नाउ पहले हमने कर लिया था, कैलकुलेट शीट ये शीट जो भी डाटा लिखी होती है कैलकुलेट इसको करनी होती है, जो हमने पहले इसमें से कर लिया था ये सेम ही था, ये करवा ठीक दें। अच्छा जी। ये करवा करवा दिया था ना, ये इसमें से आ जाता है ना, सम में आ जाता है सम, हाँ जी ठीक हो जी गया। बाकी अच्छा कोई नेक्स्ट क्लास में जी। हम देखते हैं डेटा को, ठीक।